यस, वेलकम बैक बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर ओनली। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स, दोस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव ओनली बॉन्ड पेयर। सबसे पहले हम कंसीडर क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है। ऐसे मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने सारे एग्जाम्पल देखे हैं ना बच्चों। ये सारे एग्जाम्पल्स क्या शो करते हैं कि मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ क्या है, क्या है, सिर्फ सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल है, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं था इनमें। अब इनकी स्ट्रक्चर किस टाइप से बनती है वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम बॉन्ड पेयर और लोन पेयर वाले मॉलिक्यूल को भी हम डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम शेप ऑफ BEF2, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर होती है। लीनियर स्ट्रक्चर होगी तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना आएगा बच्चों, बॉन्ड एंगल आएगा 180 डिग्री का। तो BEF2 जिसका एटॉमिक नंबर बच्चों 4 है, जेड का मतलब है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, BE का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ से देख, ध्यान से देखो बच्चों, BE एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2, और बॉन्ड बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। ये वैलेंस शेल है बच्चों, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान समझ में आया बच्चों? तो अब ये BEF2 क्या करेगा, इसके पास में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन। हम अभी हमने बताया कि अगर सिर्फ दो ही एटम्स जुड़ेंगे, अगर सेंट्रल एटम्स हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, लीनियर होगी। हमें क्या जोड़ना है, फ्लोरीन जोड़ना है। अब फ्लोरीन का भी हमें पता होना चाहिए बच्चों, एटोमिक नंबर 9 होता है, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करके ये फ्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इस टाइप से, इसी टाइप से यहाँ पर एक फ्लोरीन लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6, और ये 7। तो ये भी क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब बच्चा है बच्चों ये BE, अब इसका क्या होगा, इसका इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट रहेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है बच्चों। ठीक है, तो दूसरे एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, BeCl2, वो भी इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होगी इसी टाइप से, ZnCl2 इसकी स्ट्रक्चर भी ऐसी होगी इसी टाइप से, HgCl2। ये तो तीन चार मॉलिक्यूल है, इनकी स्ट्रक्चर किस टाइप की होगी बच्चों, लीनियर स्ट्रक्चर होगी। कैसी होगी, लीनियर स्ट्रक्चर होगी, जिसमें बॉन्ड पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर कितने होंगे, दो होंगे, टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये एक हो गया बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, देखो ये वाला, ये एक वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द सेकंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपको पूछे इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, टू है। अगर आपको पूछे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, बॉन्ड्स कितने हैं बच्चों, दो है। समझ में आ गई स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास में जो अभी हमने पढ़ा था, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। तो ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर में हमने डिस्कस किया था BF3 की स्ट्रक्चर को हमने कंसिडर किया था। तो BF3, BCl3 की स्ट्रक्चर और AlCl3, ये सारे कौन से स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर। तो इसको भी हम बनाना सीख लेते हैं। देखो ट्राइगोनल प्लानर एग्जाम्पल में है BF3, BCl3, AlCl3, सबकी स्ट्रक्चर सेम होगी, सबकी जो ज्योमेट्री है वो किस टाइप की होगी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, इनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब ये जो बोरोन है ना बच्चों, ये बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s 1s2 2s2 2p1। अब इसमें वैलेंस शेल में ये 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ये इनर मोस्ट ऑर्बिट है बच्चों, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करता ही नहीं है,
ये वाले जो है ना वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो लिखो बोरोन, ये लिखा हमने बोरोन। अब बोरोन के तीन इलेक्ट्रॉन लिखो, तो बोरोन के ये तीन इलेक्ट्रॉन को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये वन, ये टू और ये थ्री। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl3 ले लो, चाहे BF3 ले लो, कुछ भी लो। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लोरीन, तो ये मैंने लिया क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 7, 2.8.7। तो ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके लिए भी ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके लिए भी मैं लगा देता हूँ ऐसे, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो इनका तो हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट, ये इनका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। साथ में ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इनका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। ये अब ध्यान देंगे, अब ये जो बोरोन है ना, इस क्लोरीन से किस टाइप से बॉन्ड बना के जुड़ेगा? ये देखो, ये दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा। इन दो इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा? एक लो बॉन्ड पेयर। इन दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, ये ऐसे। अब इन दो इलेक्ट्रॉन से एक एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है? एक बॉन्ड इससे बनेगा, एक बॉन्ड इससे बनेगा, बॉन्ड पेयर इससे, एक बॉन्ड इससे बनेगा। तो अगर आपको पूछे बच्चों कि BF3 या BCl3 या AlCl3, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। अगर आपको पूछे बच्चों टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? बॉन्ड 3 बॉन्ड बने, देखो 3 ही तो बॉन्ड बने, एक तो ये, एक ये और ये, एक ये, 3 बॉन्ड बने। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? कंसेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, ध्यान देंगे सब। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, CH4 का मीथेन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कैसी होती है बच्चों? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर को भी हम ड्रॉ करके देखते हैं, ये सारे अभी कौन से एटम्स की, हम कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिर्फ क्या है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, उसका हम कंसीडर कर रहे हैं। इतनी देर जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड पेयर, ठीक है, एंड नो लोन पेयर। सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं बच्चों CH4, इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी आनी चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है? 6 होता है, आप सभी लोगों को पता है, 2.4। तो ये जो 4 है, ये क्या बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे तो बना दो फिर बॉन्ड, ये कार्बन। तो इसके चार ये इलेक्ट्रॉन हमने इस टाइप से बना दिए, 1, 2, 3, 4। 1 मिनट बच्चों, यस, ये हमने चार इलेक्ट्रॉन इस टाइप से इसमें बना दिए। अब हमें क्या करना है? अब इसमें क्या जोड़ना है बच्चों? हाइड्रोजन जोड़ना है, हाइड्रोजन ऐड करना है। तो हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये कर लो हाइड्रोजन ऐड, ये हमने कर लिया बच्चों हाइड्रोजन को ऐड, ये हाइड्रोजन लगाया यहाँ पे, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन तो करेगा अपना डुप्लेट कंप्लीट, ये डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है हाइड्रोजन, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा है, ये हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हुआ और इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब बचा बीच में सिर्फ कार्बन, तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा कार्बन। कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट करेगा किस टाइप से करेगा बच्चों? कार्बन ऑक्टेट कंप्लीट देखो इस टाइप से, इसके ये देखो ये ऐसे, ये क्या करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना बच्चों, हो गए। अब देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, अब इसमें हमने बताया था इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे CH4 में, अगर हम बॉन्ड पेयर का कंसिडर करें, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है बच्चों 4। और अगर आपको पूछे
नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन सी इज फोर, तो आपका जवाब क्या होगा? फोर। तो कैसे चार बॉन्ड बनेंगे इसमें, ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं बना के बता रहा हूँ आपको चार बॉन्ड किस टाइप से बनेंगे। देखो एक तो बॉन्ड इससे बन जाएगा, ये एक बॉन्ड बन जाएगा, इससे एक बॉन्ड ये बन जाएगा, तीसरा बॉन्ड ये बनेगा, और फोर्थ वन बॉन्ड ये बन जाएगा। अगर इसकी मैं ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी? टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर जो होती है वो कैसी होती है बच्चों? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, समझ में आया आपको? यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गई इसकी। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारे पास में स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो हम पढ़ लेते हैं बच्चों। शेप ऑफ PCl5 की, तो PCl5 में हमने बताया था इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर में किस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से देखेंगे। PCl5 की स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। तो ये फॉस्फोरस का, सबसे पहले तो आप एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, 15 होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए, 2.8.5 होता है। तो इसका मतलब 5 क्या है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। तो ये लिखो फॉस्फोरस, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दो आप पहले, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बनाने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, हाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने फॉस्फोरस के लिए। अब यहाँ पे क्या जोड़ना बच्चों? क्लोरीन जोड़नी है। तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17, 2.8.7, 7 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये हमने बना दिया यहाँ पे क्लोरीन, ये बनाई मैंने क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। अब क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग करेगा क्लोरीन इस फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये बाकी के इलेक्ट्रॉन्स ये क्लोरीन के पास में ऐसे रहेंगे, ये देखो 3, 4, 5, 6, 7 इसी टाइप से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी टाइप से, ये 1, ये 1 इसका हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इसी टाइप से, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखो क्लोरीन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट? ये देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्टेट का, इस क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। अब फॉस्फोरस को क्या करना, 5 बॉन्ड बनाने। तो 5 बॉन्ड किस टाइप से बनेंगे, ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये बॉन्ड बन रहा है देखो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बनेगा, इसके कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड बनेगा। अब आपको पूछे कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है। कौन कौन से? 1 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2nd बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3rd बॉन्ड पेयर ऑफ, 4th एंड 5th। अब आपको पूछे बच्चों टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 5 है। अब ये जो 5 बॉन्ड है ना बच्चों, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, PCl5 की स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है। किस टाइप की स्ट्रक्चर है इसकी? ट्राइगोनल और पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। जैसे अभी हमने इसमें देखा था PCl5 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है। दो दो पिरामिड बनेंगे, एक ऊपर की साइड में एक नीचे की साइड में। तो किस टाइप से इसमें पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बन गई, देखो ध्यान से देखेंगे, मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है PCl5 की स्ट्रक्चर, खासकर PCl5 की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो यहाँ पे बना दो फॉस्फोरस मिडिल में लिखा, और यहाँ पे बना दो एक सा इस टाइप से, और यहाँ पे इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। यहाँ पे ये सीएल है, ये सीएल है और ये सीएल है। अब जो दो सीएल है ना बच्चों, दो सीएल वो क्या है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, जस्ट इसके क्या है, 90 डिग्री के, 90 डिग्री एंगल से है ये, तो दो सीएल। और जो तीन सीएल है वो कैसे बच्चों,
इक्विटोरियल पोजीशन पे, इक्विटोरियल पोजीशन पे तीन सीएल जुड़े हुए हैं और दो सीएल किस टाइप से जुड़े हुए हैं, एक्सियल पोजीशन पे जुड़े हैं। किस टाइप से जुड़े हुए हैं, एक्सियल पोजीशन पे हैं दो सीएल। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सीएल है ना, ये सीएल किस किससे रिपल्सन फील करेगा, ये सीएल इससे रिपल्सन फील करेगा, ये इससे रिपल्सन फील करेगा, और ये जो सीएल है वो इससे भी रिपल्सन फील करेगा। इस वजह से PCl5 की स्ट्रक्चर में बच्चों, PCl5 की स्ट्रक्चर में जो तीन बॉन्ड होते हैं ना बच्चों, तीन बॉन्ड कौन कौन से बॉन्ड, पी सीएल और सीएल, सीएल पी और सीएल, देखो ये सीएल पी और सीएल, ये वाला बॉन्ड ये होता है 120 डिग्री। तीन बॉन्ड होंगे इसमें 120 डिग्री के, ये भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का। और जो दो बॉन्ड होते हैं बच्चों, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं, कौन से बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, ये है इक्विटोरियल बॉन्ड। ये मैंने बताया बच्चों इक्विटोरियल बॉन्ड का एग्जाम्पल, इक्विटोरियल बॉन्ड में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। इसी टाइप से एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं ना, एक्सियल बॉन्ड, इनमें बॉन्ड एंगल होता है बच्चों कितना, 90 डिग्री का, कितना होता है, 90 डिग्री का। अब एक और बात आपको ध्यान देनी है कि PCl5 में, PCl5 की स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बच्चों ये बॉन्ड लेंथ है ना, जो एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड, इसकी में जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज मोर लॉन्गर, इज मोर लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। ये देखो, ये देखो ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये फॉस्फोरस यहाँ पे मिडल में है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है। तो ये दोनों, ये इस फॉस्फोरस और इस क्लोरीन के बीच की जो बॉन्ड की लेंथ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। ये भी बॉन्ड लेंथ, ये भी बॉन्ड लेंथ, ये वाले जो तीनों बॉन्ड लेंथ है ना, वो इन बॉन्ड लेंथ के कंपेरिजन में कम होगी। देखो ध्यान से देखो बच्चों, इसके फॉस्फोरस PCl5 के स्ट्रक्चर में ये जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ फॉस्फोरस और क्लोरीन के बीच की लेंथ ज्यादा है। देखो मैंने स्ट्रक्चर में भी ऐसे ही बनाया, इस लेंथ को मैंने ज्यादा बनाया, इस लेंथ को मैंने कम बनाया। तो रीजन क्या है, रीजन है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन होता है, इस वजह से इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से बनाते हैं। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर, समझ में आ चुका होगा आपको। एक और स्ट्रक्चर हम बता देते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, वो भी आपको इसको मैं बता देता हूँ अच्छे से तो करके। अब हम पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे SF6 की स्ट्रक्चर, SF6 की, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, क्या बोलते हैं इसको, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है तो किस टाइप से स्ट्रक्चर बनती है, देखो ये सल्फर, ये सल्फर बनाया हमने और बॉन्ड होते हैं इस टाइप से इसमें। ये चार बॉन्ड, यहाँ पर रहेगा फॉस्फोरस, यहाँ पर रहेगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। अब जो दो फ्लोरीन है बच्चों, वो दो फ्लोरीन लेते हैं इसमें परपेंडिकुलर, किस टाइप से, ऐसे रहेंगे दो फ्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आपको पता है बच्चों ये जो एंगल है वो होगा 90 डिग्री का, ये एंगल क्या है बच्चों, 90 डिग्री का है। और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल भी कितना होता है, 90 डिग्री का ही होता है। मतलब SF6 की स्ट्रक्चर में ऑल बॉन्ड एंगल, ऑल बॉन्ड एंगल आर 90 डिग्री ओनली, सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं बच्चों, 90 डिग्री के होते हैं। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर बनानी है वो भी बना सकते हैं हम, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.6। तो ये 6 क्या है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्या उनसे बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो किस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे, सल्फर लिखो ऐसे और यहाँ पे 6 फ्लोरिन जोड़ दो ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इनके सबके इलेक्ट्रॉन्स भी शो कर सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन शो करो, तो इसके सल्फर के इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, ये 1, 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। अब इसके फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन शो करते हैं बच्चों, ये फ्लोरीन के, फ्लोरीन में कितने होते हैं बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2,
2 3 4 5 6 7, इसके भी 1 2 3 4 5 6 7, इसके ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 6 7. तो ये देखो, इससे एक बॉन्ड बन जाएगा इस टाइप से, देखो कैसे ये बॉन्ड बन गया, एक ही बॉन्ड और एक बॉन्ड. तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी. देखो कितना अच्छा प्यारा सा फ्लावर बना है. बनाना तो जरूर से वीडियो को लाइक करना बच्चों, यूट्यूब पे बड़ा दिल रखो, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है तो. अब देखो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक कोवलेंट बॉन्ड, इसके कॉम्बिनेशन से एक कोवलेंट बॉन्ड, ये रहा एक कोवलेंट बॉन्ड, इसके कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड, इसके कॉम्बिनेशन से एक बॉन्ड. तो किसकी स्ट्रक्चर बन गई बच्चों, SF6 की स्ट्रक्चर बन गई. बॉन्ड एंगल आपको ध्यान रखना बच्चों, बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री. और स्ट्रक्चर कैसी है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी. देखो मैं 3 स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे, 3 स्टार लगा दिया मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक.